किसी भी कंट्री के लोग अगर एक सिक्योर्ड और फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय करते हैं तो वहाँ पर उनका डिफेंस सिस्टम और उनके सोल्जर्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। और इस फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए कई बार उनको ऐसे सिचुएशन में भी जाना होता है जहाँ पर उनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए और सोल्जर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बुलेटप्रूफ जैकेट्स को इन्वेंट किया गया था। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। What's up guys, this is Nitish Chaudhary and welcome back to another exciting video of Tectoe.com। आज हम बात करेंगे बुलेटप्रूफ जैकेट्स के बारे में और जानेंगे इसके इन्वेंशन के बारे में, ये काम कैसे करता है और इसके अंदर वो कौन से मटेरियल यूज होते हैं जो कोई भी बुलेट इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसे आप सबसे पहले देख सकोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलेटप्रूफ जैकेट के इन्वेंशन के बारे में। आप सबने मूवीज में देखा होगा कि काफी पुराने टाइम से ही सोल्जर्स वॉर में आर्मर का यूज करते थे जो कि मेटल के बने होते थे। अपने आप को वॉर में किसी भी कैजुअलिटी से बचाने के लिए वो इसको यूज करते थे। इसके बाद जब वॉर में गन्स का यूज होने लगा तो ये जो मेटल के आर्मर होते थे वो काफी लेस इफेक्टिव साबित होने लगे। तो इन सब बातों को देखते हुए कुछ इटालियन और रोमन साइंटिस्ट ने बुलेटप्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन सब के बाद 18th सेंचुरी में जापान ने सिल्क को यूज करके बुलेटप्रूफ जैकेट्स को बनाया जो कि वेट में काफी हल्का था। ये जैकेट्स इफेक्टिव तो थे बट ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में एक दूसरे जैकेट को यूज किया गया जिसको कि फ्लेक्स जैकेट बोलते हैं। ये जैकेट साइज में काफी ज्यादा बल्की होते थे और सोल्जर्स भी इसमें काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे। इसकी एक और डिसएडवांटेज ये थी कि बहुत सारी बुलेट इसको पेनिट्रेट कर देती थी। अब बात करते हैं आज के टाइम में यूज होने वाले बुलेटप्रूफ जैकेट्स के बारे में, इसके अंदर क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। आज के टाइम में जो बुलेटप्रूफ जैकेट्स यूज होते हैं उनके अंदर केवलर नाम के एक मटेरियल को यूज किया जाता है जो कि एक ट्रेडिशनल फाइबर क्लॉथिंग है। हालांकि एक दूसरे मटेरियल को भी इन जैकेट्स बनाने में यूज किया जाता है जिसका नाम वेक्टरन है जो कि केवलर से 2 टाइम और स्टील से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेट के मामले में केवलर काफी ज्यादा हल्के होते हैं और अगर इसका कंपैरिजन स्टील से करें तो ये स्टील से 5 टाइम मोर ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बुलेटप्रूफ जैकेट में 2 लेयर होते हैं, पहले लेयर को बोलते हैं सिरेमिक लेयर और दूसरा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक लेयर, जिनको मिला के एक बुलेटप्रूफ जैकेट को बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब भी कोई बुलेटप्रूफ जैकेट पे शूट करता है तो गन से निकले उस बुलेट को सबसे पहले सिरेमिक लेयर को फेस करना होता है, जिससे कि जब बुलेट जैकेट के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसका फ्रंट पॉइंट मुड़ के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है जिससे कि बुलेट की फोर्स कम हो जाती है और वो किसी भी काम के नहीं बचती। अब इसका दूसरे लेयर जिसको बैलिस्टिक लेयर बोलते हैं उसका काम शुरू होता है। जब भी कोई बुलेट सिरेमिक लेयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो एक तरह की फोर्स को जनरेट करती है जिससे कि बैलिस्टिक लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे सोल्जर्स को काफी कम झटका लगता है और वो सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं बुलेटप्रूफ जैकेट्स के लेवल के बारे में। इन जैकेट्स को इनके ड्यूरेबिलिटी फीचर्स के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 पे जिन जैकेट्स को रखा जाता है वो 2 तरह के बुलेट को सर्वाइव कर सकते हैं, पहला 0.22 कैलिबर वाले बुलेट को और दूसरा 0.38 कैलिबर वाले बुलेट को। अगर इससे ज्यादा कोई कैलिबर वाली बुलेट इसको टच करती है तो वो उसको इजिली पेनिट्रेट कर देगी। अगला लेवल होता है 2A। लेवल 2A पे जो जैकेट्स आते हैं वो 0.40 और 9mm कैलिबर के बुलेट को सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद लेवल 2 पे जो बुलेटप्रूफ जैकेट्स होते हैं वो काफी हद तक लेवल 2A लेवल के ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पर जो बात इसको 2A लेवल वाले जैकेट से बेहतर बनाती है जो कि 2 लेवल जैकेट 9mm की बुलेट को 1245 फीट पर सेकंड की स्पीड से भी सर्वाइव कर जाती है जो कि 2A नहीं कर सकती है। अगले लेवल पे आता है 3A। लेवल 3A के जो जैकेट्स होते हैं वो लेवल 2A और 2 के सारे फीचर्स के साथ बिल्ड होती है। ये जैकेट 9mm के बुलेट को 1400 फीट पर सेकंड की स्पीड से भी सर्वाइव कर सकती है। एडिशनली ये 0.44 कैलिबर वाले बुलेट्स को भी सर्वाइव कर सकती है। अब बात करते हैं लेवल 3 जैकेट्स के बारे में। लेवल 3 पे जो जैकेट्स होते हैं वो अभी तक बताए गए सारे जैकेट के फीचर्स से कंपेटेबल होते हैं। एडिशनली ये जैकेट्स राइफल के बुलेट को भी सर्वाइव कर लेती है और 2700 फीट पर सेकंड की स्पीड वाले बुलेट को भी झेल जाती है। लेवल 4 पे जिन जैकेट्स को रखा जाता है वो किसी भी तरह के बुलेट को सर्वाइव कर सकते हैं और अगर इसका कंपेयर दूसरे जैकेट से करें तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग होता है जिससे कि कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप इन बुलेटप्रूफ जैकेट्स को बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके मैन्युफैक्चरर का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके इसके बारे में और डिटेल ले सकते हो। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।